अपने बुक में गलत है। क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल, उसको आप निकाल लीजिए ताकि उसको डिस्कस कर सकते। एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन है आपका। ओके नो प्रॉब्लम। तो हम बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 11 की, आई मीन क्वेश्चन नंबर 11 की, किस तरह से इसको हमें सोल्व करना है, क्या इसमें हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें एज यूजुअल हमें ओपनिंग स्टॉक की नीड होगी। हम सबसे पहले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक, तो टू ओपनिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक गिवन है उसका अमाउंट है 16,000। कितना अमाउंट है 16,000। फिर हमें नीड होती है परचेस की, तो परचेस और सेल्स दोनों दिए हैं, ठीक है, और रिटर्न भी है साथ में। तो जब रिटर्न भी होता है तो हम परचेस के अमाउंट को, जब रिटर्न भी होता है तो हम परचेस के अमाउंट को इनसाइड कॉलम में लिखते हैं। और लिखने आते टू परचेस, टू परचेज हम यूज करेंगे। ठीक है, अब परचेज का जो अमाउंट हमें गिवन है, परचेज का अमाउंट है 67,600। 67,600 क्वेश्चन नंबर 11 में परचेज का है, और हमें इसमें से लेस करना है रिटर्न। रिटर्न ऑनली परचेज रिटर्न का ही होना चाहिए। परचेज में परचेज रिटर्न करते हैं और सेल्स में से सेल्स रिटर्न रेस करते हैं। और यहाँ पर जो रिटर्न है सेल्स परचेज रिटर्न वो 3,200 है। कितना आता है 3,200 का सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 0, 4, 4 एंड 6, ये आपका नेट परचेज आ जाएगा जो हमें आउटर कॉलम में शो करना है। इसके बाद हमें देखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहले हमारे पास है कैरी इनवर्स, और यह यूज करेंगे टू कैरी इनवर्स। और कैरी इनवर्स का जो अमाउंट हमें गिवन है वो है 1,400। 1,400 का अमाउंट हमें गिवन है। फिर हम और सर्च करते हैं कि हमारे पास और क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो जनरल एक्सपेंस डायरेक्ट नहीं होता, प्रेफर डायरेक्ट नहीं होता, डिस्काउंट रिसीव भी नहीं होता, बैंक ऑर्डर डायरेक्ट रहती है, इंटरेस्ट भी नहीं होता, कहीं भी नहीं है। हमारे पास और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, इसका मतलब एक साइड इसकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकेंड साइड पे आते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले एसेंशियल हमें देखना है सेल्स। सेल्स का अमाउंट भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है, और जो अमाउंट हमें गिवन है वो है 1,12,000 रुपीज। 1,12,000 रुपीज, और इसमें से भी हमें रिटर्न लेस करना है। तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट कितना है? तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 4,600। 4,600 सबसे करते हैं 0,04,701, ठीक है, 1,07,400। 1,07,400
ठीक है। अब एक चीज और रह गई इसके अंदर और वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कभी भी ट्रेंड लाइन के अंदर नहीं होता है, वो बॉटम पे होता है, नीचे दिया गया होता है। और यहाँ पे गिवन है 15,000 रुपीज। इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट की सारे इंफॉर्मेशन हमने मेंशन कर दी है। अब हमें ऑनली डिफरेंस निकालने हैं। डिफरेंस निकालने के लिए बोथ साइड के टोटल की नीड हमें होती है, ठीक है। इसका टोटल करते हैं, योगदान मान ले 22,400 कितना गया, 22,400 इस सीआर साइड का है। डीआर साइड का भी कर लेते हैं, ये हो गया 64 + 16 81,800 हो गया। कितना हो गया 81,800 वापस देंगे, तो 400 को छोड़ रहा हूँ, 64 + 16 करेंगे, 64 + 16 करेंगे तो 80 होगा। तो ये 80 में 1500 और प्लस कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा, ये 11 का हो गया। डिफरेंस निकालते हैं 40,600 टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट 40,600 टोटल वही लिखना है जो ज्यादा हुआ विचर इज मोर सो इन बोथ साइड। इस तरह से हमने एक काम कंप्लीट कर दिया है, हमने ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हमें नीचे का पोर्शन है बिलो वेरिएबल, इस पोर्शन में है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसके लिए सबसे पहले हमें जो होती है ग्रॉस प्रॉफिट की, यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कहां से आया, कहां से आया, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 40,600। अब इसमें हमें इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंस लिखने हैं, तो देखते हैं हमारे पास क्या था। तो एक तो था जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जनरल एक्सपेंसेस। और जो जनरल एक्सपेंसेस का अमाउंट हमें गिवन है वो है 2,400 रुपीज, 2,400 रुपीज। देन नेक्स्ट है बैड डेट्स, नेक्स्ट है बैड डेट्स, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होता है। इसका जो अमाउंट गिवन है वो है 600 रुपए। फिर हम आगे डिस्कस करें तो हमारे पास डिस्काउंट रिसीव है। अब रिसीव कभी भी एक्सपेंडिचर नहीं होता है, इनकम होता है, इनकम होता है तो भी है बाय डिस्काउंट रिसीव। हमने यानी हमारे बिजनेस ने कितना अमाउंट डिस्काउंट का रिसीव किया है, रिसीव किया है 1,400 रुपीज, 1,400 रुपीज। फिर आगे हम चलते हैं तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑफ ग्राफ, बताइए इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑफ ग्राफ इनकम है या एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ऑफ ग्राफ और ड्राफ्ट इनकम है या एक्सपेंस है। तो जब बैंक ऑफ ग्राफ इंटरेस्ट देना होता है हमें मिलता नहीं, तो देना जब होता है तो एक्सपेंस है। तो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक और ड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक और ड्राफ्ट, और बैंक और ड्राफ्ट पे बैंक वाले कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, 600 रुपीज ले रहे हैं। इसमें हमें अमाउंट भी कितना लिखना होगा, 600 ही हमें अमाउंट भी लिखना होगा। फिर इसके अंदर है कमीशन रिसीव, यहाँ पे रिसीव हो गया तो ये भी इनकम ही होगी। तो बाय
कमीशन रिसीव, इतना अमाउंट कमीशन का रिसीव किया है तो यहाँ पर कमीशन का जो अमाउंट रिसीव किया है उसका अमाउंट केवल है 1800 रुपीज, कितना केवल है 1800 रुपीज। कमीशन के बाद इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, ये अपने लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। टू इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस टैक्सेस का जो अमाउंट गिवन है वो है यहाँ पर 4000 रुपीज, 4000 रुपए। स्कूटर एक्सपेंसेस, स्कूटर नहीं है, स्कूटर एक्सपेंस है, स्कूटर होगा तो एसेट्स होता, स्कूटर एक्सपेंसेस एक्सपेंस होगा। और स्कूटर पे हमें 200 रुपीज एक्सपेंस किए हैं तो हम अमाउंट लिखेंगे 200 रुपीज। उसके बाद बात करें सैलरी, तो सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस की है तो वो भी इधर कितना है, सर्विस का अमाउंट जो गिवन है वो गिवन है 8800 रुपीज, 8800 रुपीज। कैश एसेट होती है, स्कूटर एसेट होती है, फर्नीचर भी एसेट होता है, बिल्डिंग भी एसेट होती है, वेटर एसेट है, ट्रेड लायबिलिटीज है, कैपिटल भी लायबिलिटीज है। इस तरह से पेंडल अकाउंट के भी सारे ट्रांजेक्शन आगे होती है। अब इनका भी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस नेट बुक तो है, तो इसके भी हमें क्या करना है, रिसेंट को करना है, रिसेंट को करना है, और उसका डिफरेंस निकालना है। ये तो पहले से चुके हैं यहाँ पर, ये और प्लस करते हैं 3200 प्लस करेंगे जो हो जाएगा 43800। ये तो सीआर का हुआ, कौन सी सेट हो गया, सीआर सेट का हो गया। सीआर सेट का टोटल कर लेते हैं 4, 16, 16 के बाद 18 और 18 और 8, 26। तो क्या हो गया 4, 8, 16। इस तरह से सीआर सेंटर डीआर सेंटर का टोटल हुआ वो कितना हो गया है, वो गया 16600। डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं 0027 2 27 200, कितना अमाउंट आ जाएगा 27200। और ये अमाउंट किस तरह हो जाएगा, इधर टू नेट प्रॉफिट, कितना अमाउंट आएगा 27200। ट्रांसफर कहाँ होगा, ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। इस तरह से ये भी हमने कंप्लीट कर लिया, ज्यादा अमाउंट कितना है 43800 है, इसी को हमने बोथ साइड शो करना है। इस तरह से हमने ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, अब बनाएंगे बैलेंस शीट, इधर देखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2005। फॉर्मेट में क्या आता है, इधर आता है लायबिलिटीज, फिर आता है अमाउंट एसेट्स अमाउंट, अब मतलब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को सर्च करना होगा। तो हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या क्या है, स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कैश इन हैंड, कैसे होता है कैश जो
कैश इन हैंड। हमारे पास कितना कैश अपने पास था, तो हमारे पास अमाउंट था 4000 रुपीज। तो हम अमाउंट कितना लिखेंगे, 4000 रुपीज यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। फिर स्कूटर, ये भी एसेट होती है, और स्कूटर का जो अमाउंट गिवन है वो है यहाँ पर 8000। स्कूटर के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तो है फर्नीचर, ये भी एसेट होती है। फर्नीचर का जो अमाउंट गिवन है हमारे क्वेश्चन के अंदर वो है 5200 रुपीज। 5200 रुपीज फर्नीचर के बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग इज ऑल्सो एसेट फॉर अस। बिल्डिंग, बिल्डिंग का जो अमाउंट गिवन है 65000 रुपीज एसेट सर। बिल्डिंग के बाद डेटर्स एसेट होता है, डेटर्स के साथ में क्रेडिटर भी है जो कि हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। डेटर का अमाउंट है 6000 और क्रेडिटर का अमाउंट है 16000। कैपिटल लायबिलिटीज होती है, इसमें इधर लिखना है कैपिटल का जो अमाउंट हमें गिवन है 50000 में गिवन है ऑलरेडी। बिना वेरिएबल कि हम कैपिटल पे ऑलवेज क्या ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट। कहां से आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। कितना है 27200, कितना हो गया 77200 रुपीज का अमाउंट हो गया। क्या हमारे क्वेश्चन में ड्रॉइंग भी गिवन है क्या, क्योंकि ड्रॉइंग होता है तो उसको भी यहाँ पे लिस्ट करते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन ड्रॉइंग इज नॉट गिवन डायरेक्टली। इस अमाउंट को भी हम लोग आउटर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अब वैसे जनरली सारे इंफॉर्मेशन हम लिख चुके हैं जो ट्रायल से अंदर थी, बट एक इंफॉर्मेशन ऐसी होती है, एक तो हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट भी है जो भी लायबिलिटी होती है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट है वो है 10000 रुपीज। अब एक चीज रहती है एसेट में और वो है क्लोजिंग स्टॉक। ये कभी भी ट्रायल से नहीं होती है क्लोजिंग स्टॉक। केवल इसका टोटल करना है, चलो टोटल करते हैं इसका, देखते हैं कितना आता है। यहाँ देखते हैं 200, यहाँ पे होगा 613, 3, 2, 9 और 10, 1,2,100 रुपीस लायबिलिटी साइड का। एसेट्स का भी चेक कर लेते हैं, एसेट्स का भी हम चेक कर लेते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन करेंगे तो आंसर भी करेक्ट होगा। देखते हैं ये हो गया हमारे पास 200, तो अलग से नहीं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास सेकंड इंफॉर्मेशन आपको चेक कर लेते हैं 5, 5, 10, 11, 11 और 5, 16, 16 और 5, 21, 21 और 8, 29, 29 और 4, 33 कैरी हो गया। अब यहां पे जाओ 10। इस तरह से एसेट्स और लायबिलिटीज का जो अमाउंट है वो क्या आ रहा है, वो इक्वल आ रहा है, और ये इक्वल ही होना चाहिए, अदरवाइज हमारा जो आंसर है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने आज एग्जाम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया है। ठीक है, घर जाके इसको आगे
वीडियो देखना वापस एक बार, और एक बार सेल्फ प्रैक्टिस करना। सेल्फ प्रैक्टिस करने के बाद आपको लग रहा है कि आपका आंसर नहीं छू गया है, इतने से आपको समझ में आते हैं, तो डाउट हो तो आप पहले से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।